तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। बहुल्य आदिवासी मंडला जिले पर आपने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देने वाली लाखों खबरें देखी होगी, मगर यह रैली उनमें से कुछ अलग है। इस रैली को देखकर पहले हमने भी यही सोचा कि यह पटवारी संघ मंडला अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने आ रहा है, मगर मांजरा कुछ और ही था। बल्कि यह पटवारी संघ जिला प्रशासन से की गई अपनी मांगों को पूरा होने के बाद जिला प्रशासन को धन्यवाद और आभार व्यक्त करने आए थे। मंडला जिले के इतिहास में पहली बार यह देखने को मिलता है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी मांग पूरी होने के बाद जिला प्रशासन को धन्यवाद कहने इतनी बड़ी संख्या में आया हो। रेवा इंडिया न्यूज़ के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। प्रदेश पटवारी संघ जिला शाखा मंडला द्वारा जो है एक कार्यक्रम किया गया है, और जिसमें संभाग के व अन्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारी बहुत सी मांगें जो है कलेक्टर महोदय के द्वारा जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं, उसका हम लोग यहाँ आभार प्रदर्शन करने के लिए आए। जो काम हमारे जो है जिला कार्यकारिणी के निवेदन पर, आदरणीय सोनू मर्सकोले जी जिलाध्यक्ष के निवेदन पर व उनकी कार्यकारिणी के निवेदन पर जो है जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं, उन कामों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव जो है आप हम जो है देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए। विगत दिवस हम लोग पूरे ज़िले के पटवारी मिलके जिला प्रशासन से हमारे पटवारी साथियों की विभिन्न मांगों को लेके और कुछ दिन हड़ताल किया था, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा सहयोगात्मक रूप अपनाते हुए पूरे जितने भी हमारी मांगे थी उनको पूरी की गई द्वारा, इसलिए हम लोग आभार प्रकट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आएँ तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।